स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, ये मैंने टंकी में पानी भरना स्टार्ट किया। वैसे ही देखो वाइट एलईडी ग्लो करने लगी, ब्लू ग्लो करने लगी और रेड ग्लो करने लगी। और यहाँ पे सो हेलो गाइस, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, अब इसको मैं ये बताऊँगा कि ये कैसे बना हुआ है। और मैंने जैसा कि बताया था कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है और क्या प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकती हैं लोगों की। जैसे बेसिकली प्रॉब्लम्स हर घर की होती हैं, उस घर में ये यूज किया जाता है और इसमें क्या क्या सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जैसा कि गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बना। ये हमारा ब्रेडबोर्ड है गाइज, और ब्रेडबोर्ड का मतलब इसमें इसके फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैं आपको रेफरेंस में बता दूँ गाइज, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक ऐसे सर्किट बनी होती है ताकि हम लोगों को प्रोजेक्ट में ये एक टेम्परेरी होता है ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि इसमें सर्किट हमारी कंप्लीट वर्क करेगी नहीं करेगी। फिर इसके बाद जीरो पीसीबी में हम लोग बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास जीरो पीसीबी है और जीरो पीसीबी में बनाते हैं और जीरो पीसीबी से हम इसमें डायरेक्टली सोल्ड कर देते हैं। जैसे कि गाइस ये हमारी जीरो पीसीबी और जीरो पीसीबी में हम लोग सोल्डिंग करके बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सोल्डिंग नहीं करनी होती है। इसमें डायरेक्ट हम कंपोनेंट को ऐसे ही इंस्टॉल कर दें और इंस्टॉल करने पर हमारे वर्क करने लगे ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइस ये हमारा इसका नॉर्मली फंक्शन आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से इस जगह से इस तरफ का पार्ट और इस जगह से इस तरफ का पार्ट हाफ हाफ में डिवाइड होता है, पूरे पूरे में। यहाँ से यहाँ तक इतना आधा होता है, इतना आधा हाफ होता है। और गाइज इसमें कुछ कोडिंग होती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपस में यहाँ तक ऐसे कनेक्टेड हैं गाइज, ये जैसे आप देख रहे हैं ये आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। ये आपस में इस तरफ को कनेक्टेड नहीं होंगे, ये ऐसे कनेक्टेड है। ये सेम ऐसा ही इनका भी प्रोसेस है और सेम ऐसा ही प्रोसेस है जैसे कि। और यहाँ पे अब क्या है कि गाइज यहाँ पे मैंने यूज किया है LEDs मैंने यूज की है, जो कि ये हमारी रेड है और ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, रेड है। ये मैंने एक इंडिकेट करने के लिए एलईडी लगाई। मैंने इसमें रजिस्टर यूज किया, 33 ओम के रजिस्टर्स हैं और 1K की भी रजिस्टर लगा रखी हैं इसमें। अब इसमें मैंने ट्रांजिस्टर लगा रखा है, जैसे कि गैस मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रांजिस्टर लगे हैं हमारे BC547 के रजिस्टर्स लगे हुए। मैंने एक ऑन ऑफ स्विच लगा रखा है इसमें, और इसमें कुछ मैंने जम्फर लगा रखे हैं जो कि इसमें कनेक्टर लगा रखे हैं। और इसमें बैटरी मैंने लगा रखी है कि इसमें बैटरी ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। इसमें ऐसे फंक्शन मैं गाइस एक ऐसे वीडियो बना दूंगा जो एक बिगनिंग वीडियो होगी, हमारे स्टार्टिंग वीडियो होगी। और स्टार्टिंग वीडियो यहाँ गाइस इसमें 3 लेग्स होती हैं। एक लेग्स में मैंने LED कनेक्ट कर रखी है, एक में मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है और एक में ये वायर लगा रखे हैं ताकि ये हमारे इंडिकेटर वायर हैं कि हमारी टंकी कितनी फुल कितनी भर चुकी है। और गाइज मैंने एक बजर यूज़ कर रखा है इसमें ताकि ये इंडिकेट करा सके, हमें साउंड दे सके कि हमारी टंकी फुल हो चुकी है। और गाइज ऐसे ही नॉर्मली बना हुआ वीडियो ये प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट है और हर घर में ये यूज होना चाहिए, और ताकि ये हमारा जो पानी ओवरफ्लो टंकी है ये बच सके। बाई चांस हमें पता होता है कि मैंने टंकी ऑन कर दी और ऑन करने के केस में हम भूल जाते हैं कि हमने टंकी भी पानी भी मोटर भी खोल रखी है, और कोई दूसरा काम करने लगते हैं और दूसरे काम में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और पानी हमारा बहता रहता है और कितना बहता है पता ही नहीं चलता है। और गाइस ये इंडिकेट कर देगा कि हमारी टंकी भर चुकी है। जगह गाइस मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि इसका पर्पस क्या है और कैसे वर्क करता है गाइस। जैसे कि गाइस ये हमारी रेड ऑन अप करने पर रेड LED हमारी ग्लो हो गई और सर्किट में हमारे सर्किट ऑन हो गई। गाइस ये हमारा टंकी में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गाइस ये मैंने टंकी में पानी भरना स्टार्ट किया। वैसे ही देखो वाइट LED ग्लो करने लगी, ब्लू ग्लो करने लगी और रेड ग्लो करने लगी। और यहाँ पे
ये जैसे ही रेड ग्लू करने लगी वैसे ही हमें इंडिकेशन मिल गया है ताकि हमारी टंकी ओवरफ्लो हो रही है, और ओवरफ्लो से आप अपनी मोटर को बंद कर दें। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पे लाइक जरूर करें गाइज, ताकि मुझे इसमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। और बजू कैसा लगा है आप लोग वीडियो में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट और बनाऊंगा, और इसमें ऑटोमेटिक के प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और मैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाता रहता हूं कंटिन्यू। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज मिलते हैं।